मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मनपा प्रशासन क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या हादसा होने के बाद किसी के जान जाने पर ही मनपा की नींद खुलेगी? ऐसा सवाल स्थानीय लोग उठा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से मुंब्रा के मारकंडेवाड़ी चाल की जमीन धस गई है, बल्कि चाल का एक हिस्सा भी गिर गया है। यहाँ तक कि चाल की सुरक्षा दीवार वो नीचे बने मकान की दीवार पर जाकर रुका हुआ है। कभी भी ऊपर से जो मकान बने हुए हैं वो नीचे की तरफ जो मकान है उन पर गिर सकते हैं। आपको बता दें कि मुंब्रा देवी रोड पर पहाड़ी से लगकर ऊपर की तरफ मारकंडेवाड़ी चाल है और उससे बिल्कुल लगकर नीचे की तरफ ही भागीरथ चाल है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि तेज बारिश के दौरान 8 तारीख को पूरी चाल धंस गई, रास्ता बंद कर दिया गया। 8 तारीख को जब ये घटना हुई तब मनपा अधिकारी भी आए थे और जल्द ही धसी हुई चाल को बनाने की बात की थी, मगर अभी तक कोई भी सुध-बुध लेने नहीं आया है। और हालात इतने भयानक हैं कि कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ बने मकानों पर मलबा गिर सकता है, जिसमें जान भी जा सकती है। चाल धसने के कई दिन गुजर जाने के बाद भी मरम्मत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मारकंडेवाड़ी चाल में रहने वाले और भागीरथ चाल में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं कि ना जाने कब बड़ा हादसा हो जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनपा प्रशासन इतने दिन बाद भी कुछ नहीं कर रही है। क्या किसी के जान जाने का इंतजार हो रहा है? क्या कुछ स्थानीय लोगों ने कहा है आपको सुना दें। क्या नाम है इस चाल का? ये चाल का नाम है मारकंडेवाड़ी चाल। कम से कम 4 साल से ये जगह का सर्वे हुआ, लेकिन अभी तक का ये रास्ते का काम ही नहीं हुआ। अच्छा, ये जो जमीन धसी है चाल की, ये पूरी ये कब धसी? ये हो धसी है 8 तारीख को। 8 तारीख को तेज बारिश के दौरान? तेज बारिश के दौरान। तो तब से अभी तक यहाँ पर कुछ बनाया वनाया नहीं गया? जो यहाँ के प्रतिनिधि थे उनसे आप लोगों ने मिलकर कुछ बातचीत वगैरह की? मनपा के लोग आए थे यहाँ पर या नहीं? यहाँ के लोग भी आए थे, मोतीराम भगत आए थे, विश्वनाथ भगत आए थे। तो वो ये क्या नाम उनका, इसके म्यूनसिपाल्टी के अधिकारी को भी बुलाए थे उन्हें, सालुंग के साहब को। तो वो खाली आश्वासन देके गए कि सोमवार के दिन आते। अभी सोमवार से आज जुमेरात हो गया, आज तक का कोई इनका जवाब नहीं, और कोई आके देखा देख के भी नहीं गया कि जिंदा है कि मर गए इधर के लोग। तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? पूरी दीवार एक नीचे वाले मकान पर लटक कर गिर गई है, लेकिन ये चाल धस गई है, ऐसे में कभी भी घर वगैरह आप लोग घर बोले तो डर ऐसा लग रहा है कि अभी बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, और घर छोड़ के जा नहीं सकते, दूसरा कोई है ही नहीं, सारा इधर वालों को यही घर बचा है, इसके लिए सब वो साइड रहते हैं, ये साइड में कोई आता ही नहीं जल्दी। रास्ता भी आधा बंद किया गया है? रास्ता तो ये पूरा ही बंद कर दिया है रास्ता। वही मतलब रास्ता बंद हो गया परमानेंटली, अभी बनने के बाद ही अभी होगा ये पूरा। कब बनेगा अब पता नहीं, वो जो यहाँ के जो प्रतिनिधि अगर वो ठीक से अगर इसको ध्यान देंगे तो हो जाएगा। तो आप लोगों को डर वगैरह नहीं लग रहा? इतना भयानक स्थिति हो गई है, सब पत्थर उधर से गिर गए, ये पूरी चाल धस गई है, ये दीवार पूरा नीचे के तरफ जो घर है उस पर लटक गया है। आप लोगों के घर की भी जो साइड की मिट्टी है वो भी सब निकल गई है? हाँ, निकल तो गई पूरी। तो कैसे आप लोगों को डर वगैरह नहीं लग रहा है यहाँ पे? डर तो है, अभी क्या करें, जल्दी बना तो ठीक है, ये आश्वासन तो देके गए। मनपा के लोग आए थे यहाँ पे? अभी तक नहीं आए, खाली जो पहले दिन आए थे रात में 9 बजे वही टाइम पे आए थे, उसके बाद में अभी तक कोई आके देखा भी नहीं। कोई नहीं देखा। कितने घर है ये चाल में? पूरा चाल में पूरे 67 घर है, 67, और नीचे के इसमें 12 घर है। और दोनों लोगों को खतरा है? दोनों लोगों को खतरा है, वो तो रात भर सोए भी नहीं, हम लोग तो भी समझो वो साइड में जाके सो गए, लेकिन वो तो पूरी रात बाहर थे। और भागीरथ सर चाल है ये मारकंडेवाड़ी चाल, और वो भागीरथ सर चाल है।